सबसे पहले सभी नई निवासियों को जिलाध्यक्ष होने नाते मैं शुभेच्छा देता हूं कि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। आज के दिन कांग्रेस स्थापना हुई थी और इस कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए जो किया कि देश कांग्रेस है, कांग्रेस देश है, देश को सबसे बड़ा काम किया, आज़ादी दी। उसके बाद जो जो प्रमुख बना आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने डैम, IIT, नोटल कंपनी, हर घर तक, हर गांव तक लाइट, पानी, सड़क, स्कूल दिया। उसके बाद इंदिरा जी आई, जिन्होंने इस देश के अंदर हरित क्रांति लेके आई, जिसकी वजह से देश अनाज आत्मनिर्भर हुआ। धनाढ्य लोगों के पास जो पैसा था, बैंक था, सब पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट किया और पाकिस्तान जैसे देश, इसके पीछे अमेरिका खड़ा था, उसके दो टुकड़े किए, उसको कमज़ोर किया, भारत को मजबूती दिलाई। इसके बाद में राजीव जी गांधी जो श्वेत क्रांति लेके आए, दूध की क्रांति लेके आए कि किसान सिर्फ फसल पे ही नहीं, डेली इनकम के हिसाब से उसका दूध का बिजनेस करके भी आत्मनिर्भर बने। नवयुवकों को टेक्निकल रिवॉल्यूशन, तकनीकी क्रांति लेके आए और देश को एक स्पीड दी। इसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने इस देश के अंदर आर्थिक क्रांति लेके आए और देश को एक ऊंचाई पे खड़ा किया, वर्ल्ड के नकाशे पे अगर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया, ये सब कांग्रेस पार्टी ने दिया। और सबसे बड़ी बात, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिलते हुए भी न लेके श्रीमती सोनिया गांधी ने एक सक्षम सरदार जी मनमोहन सिंह जी को कुर्सी बिठाया ताकि देश आगे जाए। उनका वचन था, उनका शब्द था, जो हमने सीखा है, मैं कुर्सी की परवाह नहीं करती, मैं देश की परवाह करती। इंदिरा जी का नारा था, मुझे इलेक्शन का विजन नहीं चाहिए, मुझे 100 साल का विजन चाहिए। और आज पार्टी देश को नई दिशा देगी, लोगों को मालूम पड़ा है क्यों, क्योंकि मोदी जी की रैली में, नड्डा जी की रैली में, अमित शाह की रैली में आदमी नहीं आ रहे और कांग्रेस की रैली में आदमी आ रहे हैं, तो मीडिया दिखाता है कि मास्क किधर है, उनकी के मास्क बताओ किधर है, डर के रैली बंद करो, क्योंकि रैली में आदमी नहीं आ रहे। तो एक नया शुरुआत हमारी युवा नेता राहुल जी गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी ने नई दिशा देने के लिए जो की है, वो देश को भी एक दिशा देगी, गति देगी।